नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है सुरभि शर्मा। सबसे पहले बात अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले रामनवमी की कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं। आज होगा रामलला का सूर्य तिलक। दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक होगा। अयोध्या में रामनवमी की धूम है। सुबह 3:30 से भक्त रामलला के दर्शन कर रहे, लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं रामलला के दिव्य दर्शनों के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि सूर्य तिलक होगा प्रभु श्री राम का रामनवमी के शुभ अवसर पर। और इस बार ये रामनवमी इसलिए भी खास है क्योंकि जन्मभूमि में अब टाट से ठाट पे पहुंच चुके हैं रामलला, जिसके बाद भव्य राम मंदिर में ये पहला जन्मोत्सव श्री राम का होने वाला है। और उसके लिए देखिए जो तस्वीरें सुबह सामने आई वो भी बेहद खास। सुरभि, बिल्कुल, और जिस तरीके से आज पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है, इंतजार रहेगा प्रतिमा दोपहर 12 बजे का, क्योंकि उसी क्षण का साक्षी बनने के लिए इस वक्त दूर दूर से भक्त अयोध्या नगरी का रुख कर चुके हैं। और अयोध्या से ही हमारे दो सहयोगी लगातार हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आज की रामनवमी कितनी खास है। और अयोध्या में दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं को रामलला का प्रसाद भी मिल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास है। हर तरफ राम नाम की धुन है और हमारे साथ एक टोली है। ये लोग पंजाब के लुधियाना से आए हैं, क्या जी? हरियाणा से आए हैं आप लोग? हरियाणा एक हम पंजाब से, लुधियाना। अच्छा, आप लोग, अच्छा, कुछ लोग हरियाणा से कुछ लोग पंजाब से आए हैं। तो कितने बजे सवेरे आप लोग पहुंच गए दर्शन के लिए? ये 6 चले गए थे तकरीबन हम। अच्छा, और हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी थी। मतलब यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मैं उसको। ये क्या है हाथ में आप? ये प्रसाद है। प्रसाद कहाँ से मिला आपको? मंदिर से मिला है। मंदिर से प्रसाद भी मिला, जरा खोल के दिखाई क्या प्रसाद मिल रहा भैया। तो झोले में जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक प्रसाद भी मिल रहा है। और ये डब्बे में प्रसाद है, तो ये आप लोग वहाँ जहाँ से आए वहाँ भी ले जाके प्रसाद बांटेंगे क्या? हाँ, वहीं बांटेंगे इस वजह के लिए। अच्छा, एक हमने सुना, आप लोगों ने सुना होगा, सूर्य तिलक होना है भगवान राम का, कि वो उसके बारे में आप लोगों ने सुना है, जानते हैं? सूर्य सुना हमने। तो सूर्य तिलक देखने के लिए मंदिर नहीं गए अभी? हम गए कहाँ, अभी जाएंगे हम, हमें दर्शन नहीं किया हम कल। आपने दर्शन नहीं? हम पहले पहले सरू जी के स्नान किया हमने, फिर हनुमान गढ़ी में हम गए, हमने फिर कल हमने जनक महल में प्रसाद लिया, और अब सुबह सुबह हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दोपहर में होगा सूर्य तिलक, उसकी हम वेट करेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सूर्य तिलक देखेंगे हम, जितनी देर उतने घंटे तक हम मंदिर के अंदर रहेंगे। नहीं, हम बाहर वेट करेंगे, मंदिर तो देखो ज़्यादा लोग रहेंगे ठीक नहीं रहेगा, हम बाहर वेट करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम सिमरी बख्तियारपुर सहरसा बिहार से आए। बिहार से आए हैं, तो दर्शन उर्शन हो गया? दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए, सरयू में स्नान भी कर लिए जी। अच्छा, पहली बार आना हुआ है अयोध्या? क्या दूसरी बार, इससे पहले बन रही थी मंदिर उसकी। तो तब की अयोध्या आज की अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, आज बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कोई लोग ऐसे तो नहीं है कि एक बार नहीं फिर दोबारा भी चले जाएंगे दर्शन करने के लिए, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शाम को भी रात में आया था तो सोचा दर्शन करने जाऊंगा, तो मैंने कल हनुमानगढ़ी घूमा, सरयू नदी घाट में स्नान किया, फिर रात ज़्यादा हो गई थी, तो अभी सुबह सुबह हम 6 दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज रामनवमी भी है, यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जन्मभूमि में रामनवमी की ये भव्य कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार जारी। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से सुबह 3:30 से पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है, रामलला का अभिषेक किया गया और उसकी तस्वीरें आपके सामने है, और हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे हुए, श्रद्धालु पहुंचे हुए रामलला के दर्शन के लिए, वो तस्वीरें भी आपके सामने। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से प्रतिमा रामनवमी का यह खास मौका इस बार अयोध्या में बेहद खास है, और उसका साक्षी बनने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। उसकी एक रिपोर्ट हमने दिखाई, जहां पर दर्शन करने के बाद लोगों को खास प्रसाद भी मिल रहा है, जिनसे हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा बात कर रहे थे। और अब ये तीसरी तस्वीर, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से पूरी हो चुकी है तैयारी, लेकिन आपको हम बताते हैं रामलला का सूर्य तिलक होगा कैसे, क्योंकि छत पर बॉक्स में एक रिफ्लेक्टर है और रिफ्लेक्टर से मिरर तक किरणें पहुंचेंगी, मिरर के बाद से लेंस से होते हुए ये किरणें आगे की तरफ बढ़ेंगी, एक वर्टिकल पाइप से गुजरते हुए किरणें आगे बढ़ेंगी, और वर्टिकल पाइप के बीच में दो और लेंस लगे हुए हैं। रामलला के ठीक सामने चौथा लेंस है, और चौथे लेंस से शीशे से होते हुए सीधे सूर्य की किरणें श्री राम के माथे पर पड़ेंगी।
कुल 4 लेंस और 4 मिरर से होते हुए किरणें माथे तक पहुंचेंगी और इसी तरीके से होगा श्री राम का सूर्य तिलक। और इस बीच देखिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा अयोध्या से आप तक रिपोर्ट्स तो पहुंचा ही रहे थे, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। पंकज जी, कैसा उत्साह वहां पर राम भक्तों के बीच देख रहे हैं? इससे पहले भी आप लोगों से बात कर रहे थे और आज का दिन चूंकि रामनवमी है तो बेहद खास हो जाता है हर लिहाज। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए अयोध्या में तो इस बार खास तौर से ये जो रास्ता जा रहा है ये तो दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, और उधर देखिए कि जितनी भीड़ जो है दर्शन करने के लिए उतनी ही भीड़ दर्शन करके निकल रही है। और सरयू स्नान का भी बड़ा महात्म्य है, और यहीं कुछ महिलाएं हमें मिल गई हैं जो दर्शन करने के लिए जा रही थी। पहले लोग जो है हनुमानगढ़ी जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ का प्रसाद ले ली है, और अब ये लोग जा रही हैं राम मंदिर में अंदर रामलला का दर्शन करने के लिए। तो रामलला का जो दर्शन हम ले लेंगे, बिल्कुल प्रसाद ले लेंगे। तो ये सूर्य तिलक के बारे में भी बहुत सुना है, उसके बारे में भी आप लोग क्या अभी जा रही हैं या फिर दोबारा भी चली जाएंगी? नहीं, दोबारा तो नहीं जाएंगे, अब बस ये आपने कह दिया कि सूर्य तिलक का समय पे जाना चाहिए। हाँ। तो आज हम लोग बहुत हिम्मत करके आए हैं कि रामनवमी वाले दिन बहुत रश होती है, बट आज हम लोग का प्रण था कि हम लोग कैसे भी, हम लोग दो फ्रेंड्स दो हैं बट 11 के बराबर हैं। हाँ। तो आप हम लोग सूर्य तिलक का हो के समय ही जाएंगे, जब तक हम लोग यहाँ इधर उधर दर्शन करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मन बना लिया सूर्य तिलक के दर्शन? बिल्कुल बिल्कुल दर्शन, और बहुत अच्छा है हमारा राम मंदिर, बहुत अच्छा लगा, मतलब कल्पना के परे है, दर्शन मिलेगा। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, योगी जी का। तो मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया, और हम भाग्यशाली हैं कि रामनवमी में सूर्य तिलक होते हुए रामलला को देख पाएंगे। इन्हें पता नहीं था, हमने बताया कि आज सूर्य तिलक दोपहर में है तो यही मंदिर के बाहर रहेंगे, दोपहर तक का इंतजाम करेंगे। हालांकि लोग ऐसा करना नहीं चाहिए, और इसीलिए सभी जगहों पर जहां रास्ते लगे हुए हैं, देखिए आने जाने वाले जो लोग हैं श्रद्धालु हैं, मैं आपको दिखाऊं तो जगह जगह पर LED स्क्रीन लगे हुए हैं जहां आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और चूंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन बहुत भीड़ हो गई थी, उसको इस तरीके से रेगुलेट किया गया कि देखिए बिल्कुल कहीं कोई असुविधा यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल नहीं हो रही है।